जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली बॉलीवुड इतिहास की अब तक की सबसे मच अवेटेड और सबसे बड़ी फिल्म पृथ्वीराज का एक धमाकेदार और आउटस्टैंडिंग ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर के साथ जस्टिस करते हुए नजर तो आ ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को अपने आप में ढाला है और जिस तरह का एक्शन इस फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है, उसके बाद दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनने वाली है और बॉलीवुड इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार के करियर की सबसे मच अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज, जिसका डायरेक्शन किया है चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने, आज दोस्तों इस फिल्म का 2 मिनट 57 सेकंड का एक बेहतरीन और विजुअली फंटास्टिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद और इस फिल्म के मेन विलन सभी को बराबर स्क्रीन स्पेस दिया गया है। दोस्तों इस 2 मिनट 57 सेकंड के ट्रेलर में आपको एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगेगा कि इस फिल्म का ट्रेलर इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर नहीं है। इस ट्रेलर में दोस्तों आपको अक्षय कुमार के बेहतरीन डायलॉग सुनने के साथ साथ मानुषी छिल्लर के साथ उनके रोमांटिक सीन्स और बॉलीवुड इतिहास के सबसे बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट के 20 सेकंड में जो गुजबंस वाला सीन आपको देखने को मिलने वाला है, उसके बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों बताते चले आपको कि पृथ्वीराज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसे कि यशराज बैनर ने बनाया है और यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। जिस तरह का बेहतरीन ट्रेलर दोस्तों इस फिल्म का हमें देखने को मिला है, उसके बाद दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि पृथ्वीराज दोस्तों भारत के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनाई जा रही सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशन है जो कि हम सभी को बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। और दोस्तों ये फिल्म जिस तरह से ग्रैंड विजुअल्स के साथ बनाई गई है और जिस तरह के बेहतरीन डायलॉग इस ट्रेलर में हमें सुनने को मिले हैं, ये फिल्म दोस्तों अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली है और लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आसानी से ले लेगी। साथ ही साथ दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिला है, अगर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो यह फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली 400 करोड़ी फिल्म भी बनने वाली है। आपको दोस्तों यह फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और पृथ्वीराज से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपना 4th वीकेंड पूरा कर चुकी है। और दोस्तों इस फिल्म ने अपने 4th वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में बाहुबली 2, RRR और इंडियन सिनेमा की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और एक और नया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के 26 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर ली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और अब केजीएफ चैप्टर 3 के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, जो कि 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई थी, इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो जहां एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली, वहीं दोस्तों हिंदी में इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी। दोस्तों बताते चले आपको कि अपने शुरुआती 4 दिनों के वीकेंड में यह फिल्म सिर्फ हिंदी में ही 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और इसी के साथ दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। शुरुआती 4 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 546 करोड़ रुपए कमाए, वहीं अपने पहले हफ्ते में यह फिल्म 750 करोड़ रुपए की कमाई करके बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अब अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते इस फिल्म ने 997 करोड़ कमाए थे, वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 1115 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके थे। अपने शुरुआती 24 दिनों तक दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1139 करोड़ रुपए का हो चुका था। 25वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है, जिसमें दोस्तों सिर्फ हिंदी से ही इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 7.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा
दूसरा को मिलाकर इस फिल्म का 24वें दिन का जो कलेक्शन है वो लगभग 6 करोड़ रुपए का रहा है, जिससे कि ये फिल्म टोटल 13.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ की कमाई कर चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 1155 करोड़ रुपए का 25 दिनों का हो चुका था। और दोस्तों इस फिल्म ने 4th वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में RRR और बाहुबली 2 को पीछे कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री की पहली फिल्म बनी है जिसने कि बिहार के बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया है। बंगाल बॉक्स ऑफिस पर भी दोस्तों ये फिल्म 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। नेपाल में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो भी 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं और नेपाल में भी ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों मलेशियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो इस साल का 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और इस फिल्म ने सभी तमिल फिल्मों को मलेशियन बॉक्स ऑफिस पर भी पीछे कर दिया है। इसी से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि KGF चैप्टर 2 सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल की तो दोस्तों आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 26वां दिन है और आज भी इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो क्रेज देखने को मिल रहा है वो बेहतरीन है। ये फिल्म दोस्तों आज बिहार, मुंबई, गुजरात और हर जगह पर काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है और यही वजह है दोस्तों कि आज ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 2.70 करोड़ की कमाई कर रही है तो वहीं दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 5.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। ये फिल्म दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज 6.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर 1160 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर RRR के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडियन सिनेमा की 3rd हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। आपको दोस्तों क्या लगता है, जिस तरह से KGF चैप्टर 1 ने सिर्फ 250 करोड़ रुपए कमाए थे और KGF चैप्टर 2 ने 1100 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर दिया है, क्या KGF चैप्टर 3 इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म बनेगी जो कि 2000 करोड़ के क्लब में सिर्फ इंडिया में ही शामिल हो जाएगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।